बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के बरेली में मंगलवार सुबह हुए सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस के ड्राइवर को नींद की झपके आने की वजह से यह हादसा हुआ। ये भी बताया जा रहा है कि राममूर्ति अस्पताल की एम्बुलेंस डिवाइडर से जा टकराई। ये एम्बुलेंस दिल्ली से बरेली की ओर आ रही थी। हादसे में एम्बुलेंस में सवार 7 लोगों की मौत हो गई। ये घटना फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र की है। अनुमान लगाया जा रहा है कि ड्राइवर को नींद की झपकी आने के बाद एम्बुलेंस डिवाइडर पार करके दूसरी साइड में चल रही कंटेनर से जा टकराया। अभी तक मेरी जानकारी के अनुसार मरने वालों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। सभी मृतक पीलीभीत के बताए जा रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंच गई है। मृतकों के शवों को कब्जे में ले लिया गया है। तारीख को अपॉइंटमेंट था उनका और वहाँ से ये वापस आ रहे थे और सुबह इसमें लगभग 6:30 के बीच में जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उस पर ये जो एम्बुलेंस है वो डिवाइडर को क्रॉस करते हुए सामने से आ रहे DCM ट्रक से टकरा गई और जो एम्बुलेंस में सवार 7 लोग थे ड्राइवर सहित उन सबकी दुखद इसमें मृत्यु हुई है और 7 की जो शव हैं उसको जिला अस्पताल भेज दिया गया और इसमें विधिक कार्रवाई पोस्टमार्टम इत्यादि कार्रवाई इसमें की जा रही है। देखिए दुर्घटना की तस्वीरें। ये दुर्घटना स्थल जहां पर एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, 7 लोगों की मौत हुई है। सड़क पर पसरा कार और कुछ सेकंड की लापरवाही 7 लोगों की जान पर भारी पड़ गई। 7 लोगों ने दम इस हादसे में तोड़ दिया है। दरअसल एक एम्बुलेंस यहां लोगों को लेकर जा रही थी। पीलीभीत के ये सभी मृतक बताए जा रहे हैं। अचानक से जो एम्बुलेंस सवार है उसे नींद की झपकी आ गई और डिवाइडर पार कर दूसरी ओर चल रही कंटेनर से ये जा टकराया। भीषण सड़क हादसा, 7 लोगों की दर्दनाक मौत।